अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आजकल हम पंजाब आए हुए हैं और आप सब लोग हमारे पंजाब के व्लॉग्स को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत खुशी मिलती है। तो हमने सोचा कि अब आए हुए तो हुए हैं तो थोड़ी सैर और भी कर ली जाए और आपको भी साथ करवा ली जाए। तो आज हम जा रहे हैं पंजाब के एक और छोटे से शहर की सैर करने, जिसका नाम है अब्दुल हकीम। आप में से शायद बहुत सारे लोग पहले यहाँ कभी नहीं गए होंगे, तो हमारे साथ चलिए और यहाँ की सैर कीजिए। हमारे घर से अब्दुल हकीम शहर तकरीबन 13-14 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं पहले भी 2-3 दफ़ा अब्दुल हकीम जा चुकी हूँ, लेकिन पहले जो हम जाते थे तो हम दूसरे खालकाबाद वाले रास्ते की तरफ से जाते थे, और इस दफ़ा जो है हम दीनपुर वाले रास्ते से जा रहे हैं। उस तरफ से जाने की वजह ये भी थी कि यहाँ से जो है मोटरवे गुजरती है, तो मैंने सोचा दूर से ही सही मोटरवे भी देख लेंगे। तो ये जो ऊपर आपको रोड जाती हुई नज़र आ रही है, ये मोटरवे ही है। और अभी हम ये टनल के अंदर से गुज़र रहे हैं, और मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ना ज़्यादा सर्दी थी और ना ही ज़्यादा गर्मी, तो घूमने में इस बार जो है मज़ा आया। पहले जब भी मैं पंजाब आती थी तो अक्सर जो है वो गर्मियाँ ही होती हैं, और गर्मियों में घूमने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और ये बोर्ड जो है वो बता रहा है कि मोटरवे इंटरचेंज जो है यहाँ से सिर्फ 600 मीटर दूरी रह गई है। और हर तरफ हरियाली देख कर जो है आँखों को सुकून और ठंडक सी महसूस होती है। कराची में तो जब भी घूमने निकलो सड़कों पे सिर्फ धुआं, शोर, गाड़ियों का शोर और धुआं ही नज़र आ रहा होता है। तो जो है काफ़ी इस दफ़ा जो है पंजाब आके मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ। और ये जो है चावलों की फसल का मौसम है, तो हर तरफ आपको सिर्फ चावल ही चावल दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं पककर, और कहीं अभी हरे हरे हैं, हरे खड़े हैं इसी तरह। तो जहाँ से भी आप गुज़रते हैं आपको सिर्फ चावलों की खुशबू महसूस होती है हर तरफ। इस इलाके में चावल बहुत ज़्यादा काश किए जाते हैं। ये सारी फसल जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, इस तरफ ये सारे चावल ही लगे हुए हैं। ये जो है इन्होंने चावल सूखने के लिए डाले हुए हैं। मुझे तो इतना नहीं पता था, साइज से पूछ पूछ के सारी बातें मैं बताती हूँ ये वाली। पहले भी जब आती थी तो घूमने तो हम जाते थे, लेकिन इस दफ़ा वीडियोज़ के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा घूमना हो गया है। और ये जो जगह आप दिखाई दे रही है आपको, ये है मोटरवे इंटरचेंज, अब्दुल हकीम इंटरचेंज। ये मैंने भी पहली बार ही देखा है। और अब हम अब्दुल हकीम के रास्ते में जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जब हम शहर पहुंच जाएंगे तो आपको दिखाएंगे हम। तो जी हाँ, अब्दुल हकीम शहर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ आकर मज़ार पर हाज़िरी दी है हम, और क्योंकि ये बिल्कुल शहर के शुरू में मज़ार वाक़ है, तो हमने कहा पहले मज़ार पर हाज़िरी दे ली जाए। हमने फातिहा पढ़ लिया, और अब हम आपको जो है ये मज़ार का व्यू दिखा रहे हैं। ये मज़ार का सहन है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको जो है मज़ार के बारे में और शहर के बारे में बताती जाऊंगी। तो प्लीज़ हमारा व्लॉग जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मज़ार के बिल्कुल साथ ही जो है वो मस्जिद तामीर हो रही है। ये अभी कम्प्लीट नहीं हुई है, बन रही है अभी। ये मज़ार सूफ़ी बुज़ुर्ग सुल्तान अब्दुल हकीम का है, और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम भी रखा गया है। और हर साल 21 से 23 जून को उनका उर्स होता है, और पूरे मुल्क से हज़ारों ज़ायरीन आते हैं जो उनके दरबार पर हाज़िरी देते हैं और फातिहा खानी करते हैं। और उर्स के मौके पर जो है यहाँ मेला भी लगता है और लकी रानी सर्कस भी होता है। मैं कभी वैसे उर्स के मौके पर नहीं आई, अगर मौका मिला तो कभी आएँगे और आपको मेला भी दिखाएँगे। तो ये जो है मज़ार के अंदर का व्यू भी देख लें आप, और आप भी हमारे साथ हाज़िरी दे लें। मज़ार पर हाज़िरी देकर अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि मज़ार के बाहर का व्यू कैसा है। तो हर मज़ार की तरह, जैसा कि हर मज़ार के बाहर होती हैं, तो इस मज़ार के बाहर भी काफ़ी सारी शॉप्स थी जहां से आपको मज़ार पर चढ़ाने के लिए फूल, चादरें और तबर्रुक का सामान वगैरह मिल जाता है। और इस तरफ जो है ये सारी जो है मिट्टी से बनी हुई चीज़ें पड़ी थी, बच्चों के खिलौने, ज्वेलरी और भी बहुत सारी चीज़ें शॉप्स पर अवेलेबल हैं। जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ से चीज़ें बाय भी करते हैं। तो मज़ार से होकर अब हम आ गए हैं अब्दुल हकीम शहर के बाज़ार में,
तो आप भी देखिए हमारे साथ ये अब्दुल हकीम शहर का बाज़ार है, और यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि ये शहर जो है वो तकरीबन 300 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ आर्मी की छावनी भी है, तो इसलिए इसे अब्दुल हकीम कैंट भी कहा जाता है। मेरा तो बहुत दिल था कि यहाँ से थोड़ी शॉपिंग भी कर ली जाए, लेकिन हमारे पास टाइम कम था क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन हैं और दिन छोटे होते हैं। अभी हमने और भी जगह जाना था, तो सोचा कि चलो इस चीज़ को हम अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। और अब हम आ गए हैं जी अब्दुल हकीम के स्टेशन पे। ये है अब्दुल हकीम शहर का रेलवे स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है। मैं आज इस स्टेशन पे दूसरी बार आई हूँ। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हमने अपने कराची वापसी का सफ़र इस स्टेशन से भी शुरू किया था, और ये इसका छोटा सा वेटिंग एरिया है। यहाँ बेंच वगैरह पड़े हैं, और इस तरफ मुसाफिर खाना भी है और टिकट घर है। आजकल तो वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कोरोना की वजह से यहाँ गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं। ये टिकट घर है इसका, यहाँ गाड़ियों के औकात लिखे हैं। मेरे ख्याल में लोकल गाड़ियाँ रुकती हैं, लेकिन वैसे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो शायद यहाँ नहीं रुकती हैं आजकल कोरोना की वजह से। और उसके अलावा भी यहाँ ज़्यादा स्टॉप्स नहीं होते गाड़ियों के, बहुत कम गाड़ियाँ जो है वो इस स्टेशन पर रुकती हैं या यहाँ से चलती हैं। मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं इसके प्लेटफार्म की तरफ। प्लेटफार्म भी इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन प्लेटफार्म के उस तरफ का व्यू मुझे बहुत प्यारा लग रहा था देख कर। और ये स्टेशन भी हमारे मखदूमपुर स्टेशन की तरह 1901 में ही बना है। और ये जो है बाहर का व्यू देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ ना तो ज़्यादा शोर शराबा था, ना रश था, शॉप्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं थी। क्यों, यही वजह है क्योंकि जहाँ गाड़ियाँ ही नहीं रुकती तो फिर उस स्टेशन पे रौनक तो सारी गाड़ियों की वजह से होती है स्टेशन की। ये पूरा स्टेशन दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। शुक्रिया। आप में से अगर कोई हमारी ये वीडियो देख रहा हो जो अब्दुल हकीम शहर से हो, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, हमारा अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन की सैर जो है वो मुकम्मल हुई, और अब चलते हैं वापसी की तरफ। आपको ये अब्दुल हकीम शहर का रेलवे स्टेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो अब हम आगे की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पहुँचे तो फाटक बंद था, कोई ट्रेन आ रही थी और इसलिए जो है वो फाटक बंद हुआ हुआ था। और आप दोनों तरफ देखें कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, और अब ट्रेन के आने का इंतज़ार है कि ट्रेन आके चली जाए तो फिर हम अपने आगे का सफ़र तय करें और आपको दिखाएं कि अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए जी, अब चलते हैं आगे। और अब हम जिस जगह जा रहे हैं वो इस शहर की मेरी फेवरेट जगह है। मैं आई थिंक सो तीसरी बार जा रही हूँ इस जगह, और हर बार जा कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये है जी रोश पावर प्लांट, और ये एक प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है जो 1995 में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुआ था, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 412 मेगावाट है। अब हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, और आगे जो है वो अब छोटी छोटी नहरें शुरू हो गई हैं। एक नहर तो ये भी है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। जी, हम जा रहे हैं हेड सिंधनाई पर।
जो कि अब्दुल हकीम शहर की मेरी फेवरेट जगह है। और क्योंकि पानी के पास आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं तो जो ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि शाम भी हो रही थी तो ठंड भी हल्की हल्की बढ़ रही थी और पानी की वजह से जो है हवा में और ठंडक आ गई थी। हेड के पास पहुंचने की एक निशानी ये भी है कि आपको फ़िश पॉइंट बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो मेरे इस तरफ अभी सारी शॉप्स बने हुए देख रही है, ये सारे फ़िश पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप चाहे तो यहाँ बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं यहाँ बैठ के खाई क्योंकि मैं और साजी दोनों ही ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करते हैं। और आपको पता है बाहर से जो भी चीज़ मिलती है उसमें मसाले बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना खाएँ बाहर की चीज़ें। और हेड के रास्ते में आपको नहरें भी काफ़ी नज़र आएंगी। ये देखिए, ये भी काफ़ी बड़ी सारी नहर है। और इस बार मैंने अपने पंजाब के बहुत इंजॉय किया है। आपको हमारा पंजाब का टूर कैसा लगा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई पहले सिदनाई हेड आया है तो प्लीज़ वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो डर रही थी कि शायद पता नहीं यहाँ वीडियो बनाने देंगे या नहीं देंगे, और उन्होंने लिख कर लगाया भी हुआ था बोर्ड कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर साजिद ने कहा तुम बनाओ बनाओ, कोई कुछ नहीं कहता। और वाकई किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हालांकि लिखा भी हुआ था कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और अब जो है हम बहुत ही करीब पहुँच आए हैं हेड के। और इस तरफ जो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ जो है अभी आपको एक रिहायशी कॉलोनी नज़र आएगी, वो यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बनाई गई है। ये उसका गेट है मेन। अभी तो इतना ज़्यादा रश नहीं था वहाँ पर, लेकिन जब आप किसी ओकेजन पे या किसी फेस्टिवल पर वहाँ आते हैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है और गर्मियों में ज़्यादा रश होता है। अब तो क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा है तो लोग भी कम हैं इस वक्त यहाँ पर। तो अब हम जो है बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अभी हम अपनी बाइक पार्क करेंगे और ये देखिए हम हेड पर पहुँच आए हैं। ये सामने आपको टूल प्लाज़ा नज़र आ रहा है अब्दुल हकीम का, और ये साइड व्यू है। ये भी एक छोटी सी नहर यहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे रही है आपको। और पानी देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये अभी थोड़ा पानी नज़र आ रहा तो यहीं अच्छा लग रहा है सिर्फ। आगे जब ज़्यादा पानी नज़र आएगा तो मैं तो इतना सारा पानी देख के डर गई। हालांकि इससे पहले समंदर का पानी हम देख चुके हैं, लेकिन समंदर का पानी देखकर इतना डर नहीं लगा, यकीन जानिए, जितना इस पानी को देखकर डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो जी ये है हेड सिंधनाई, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर हेड सिंधनाई का टूल प्लाज़ा है और राइट हैंड साइड पर पार्किंग है इसकी। ये हेड जो है ये अब्दुल हकीम शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है, और ये दरमियान में जो ब्रिज जा रहा है, ये ब्रिज जो है वो 2 ज़िलों को आपस में मिलाता है। ब्रिज के एक तरफ जो है ज़िला खानेवाल और ब्रिज के दूसरी तरफ जो है ज़िला टोबा टेक सिंह है, जो कि मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि वो मेरा ददियाल है। कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला आपको टोबा टेक सिंह की भी सैर ज़रूर करवाएंगे। और ये इसके ऊपर से जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये एक नहर गुजर रही है। ये देखें ये हेड के अंदर का मंज़र। और ये जो जिस नहर की मैं बात कर रही थी ये है वो नहर जो कि इस हेड के ऊपर, इस दरिया के ऊपर से गुजर रही है। ये पाकिस्तान का वाहिद हेड है जिसके ऊपर से नहर गुजरती है। इस पाकिस्तान में 2 हेड ऐसे हैं जहाँ से नहरें गुजरती हैं, एक मेलसी हेड, लेकिन वहाँ से भी नहर नीचे से गुजरती है, लेकिन ये वो वाहिद हेड है जिसके ऊपर से नहर गुजरती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये हेड का गेट आप देख रहे हैं। शाम का वक्त और दरिया का किनारा, इतना खूबसूरत मंजर लग रहा था कि यहाँ मुझे एक शेर याद आ रहा है। शाम है दरिया किनारा है तुझे सोचते हैं, दिल पे तेरा ही अजारा है तुझे सोचते हैं, तेरे ही दम से हैं इस जिस्त में सारी खुशियाँ, तू ही जीने का सहारा है तुझे सोचते हैं। और ये देखिए आप दरिया रावी का खूबसूरत मंज़र। ये है दरिया रावी पर वाकया है, और जैसा कि शायद आप में से किसी ने सुना ही हो कि दरिया रावी का जो पानी है वो हल्का हल्का लाल रंग का होता है, तो अगर आप गौर से इस पानी को देखें तो वाकई इसमें वो रंग नुमाया नज़र आता है। अभी पानी इतना ज़्यादा दरिया में पानी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ पानी तो देखने को मिला। दरिया सिंध के ऊपर से तो जब भी गुजरते हैं खाली ही नज़र आता है वो बेचारा। और यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे जाकर दरियाए रावी जो है वो दरियाए चनाब से मिल जाता है। देखिए खूबसूरत मंजर, कितना खूबसूरत लग रहा है। 15 गेट हैं इस हेड के, आधे दरिया आधे जो हैं वो ज़िला खानेवाल में आते हैं, और मेरे ख्याल में आखिर के दो चार हैं वो शायद ज़िला टोबा टेक सिंह के अंदर आते हैं। तो ये ब्रिज का खूबसूरत मंजर देखें, ऊपर से ट्रैफिक गुजर रही है और ये सारे हेड। अभी गेट में से थोड़ा पानी निकल रहा है क्योंकि वैसे ही दरिया में पानी कम है अभी।
तो बहुत मज़ा आया यहाँ आकर, और बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है यहाँ पर अब्दुल हकीम शहर की। मेरे ख्याल में ये शायद वाहिद ही पिकनिक पॉइंट होगा, और भी होगा तो कोई मुझे बताए प्लीज़, मुझे तो नहीं पता। और ये इस तरफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे जो है वो बहुत खूबसूरत से ग्रासी एरिया बनाया गया है फैमिलीज़ के बैठने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। लोग यहाँ आते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा दरिया रावी का ये मंज़र, मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट्स में। अब हम चलते हैं ब्रिज के दूसरी तरफ, और तब तक आप मेरे साथ साथ पानी के इस शोर को भी इंजॉय कीजिए। बहते हुए पानी की आवाज़ कितनी सुकून दे रही है। तो ये जो नहर आपको मैंने दिखाई है जो ऊपर से गुजर रही है, ये पीछे से तो बहुत चौड़ी थी, लेकिन अब ये जैसे जैसे आगे की तरफ आती जा रही है तो ये तंग हो गई है थोड़ी सी, और इसी तरह जब ये दूसरी तरफ से निकलेगी तो फिर ये आगे जाकर जो है वो चौड़ी हो जाएगी दोबारा। पीछे से तो ये मिट्टी से सीमेंट से ही बनी हुई थी, लेकिन आगे जाके इसको जो है लोहे के कंटेनर के अंदर बंद किया हुआ है इन्होंने। लोहे के कंटेनर में से गुजर रही है ये, और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये नहर जो है दरियाए रावी के अंदर से ही निकाली गई है, दरियाए रावी के अंदर से निकली हुई नहर दरियाए रावी के ऊपर से ही गुजर रही है। वाह, और ये गेट के अंदर से पानी निकलने का मंजर। और ये अब हम आ गए हैं हेड ब्रिज के दूसरी तरफ, और ये भी एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे दरिया बह रहा है, और राइट हैंड साइड पे इसी दरिया में से दो नहरें निकल रही हैं। इस हेड में से दो बड़ी नहरें निकलती हैं जो कि इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड की तरफ ये आपको नज़र आ रही होंगी। एक एक जो नहर है वो आगे जाकर मुल्तान की तरफ मुड़ जाती है, और एक नहर सीधी जाती है, और वो कहाँ जाती है वो मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को भी पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा मुझे भी। और ये जो ब्लू कलर की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी मोटरें यहाँ लगी हुई हैं जो हेड के गेट को खोलती और बंद करती हैं, एडजस्टमेंट करती हैं जब पानी का फ्लो को कम और ज़्यादा करने के लिए। जब नहरों को पानी सप्लाई करना होता है तो यहाँ से गेट ओपन किए जाते हैं। फिर दरिया है, और जहाँ पर ये गेट लगे हुए हैं और पानी स्पीड से जा रहा है वो नहरों की तरफ जा रहा है, वो वहाँ से नहरें निकल रही हैं और नहरों को पानी की सप्लाई हो रही है। और ये हैं वो दो नहरें जिनकी मैं बात करी थी, एक इस तरफ और एक वो आगे जो आपको नज़र आ रही है। ये जो ये वाली नहर है वो जो सीधी जाती है और कहाँ जाती है पता नहीं, और ये वो नहर है जो आगे जाके मुल्तान की तरफ मुड़ जाती है। ये देखिए आपको मूर्ति भी दिखाई भी दे रही होगी ये। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का व्लॉग, और हमारा आज का व्लॉग और अब्दुल हकीम शहर की सैर आपको कैसी लगी है अपने कमेंट्स के ज़रिए प्लीज़ हमारे साथ अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के हौसला मिलता है और अच्छा व्लॉग बनाने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदा होता है। तो अब इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।